तो हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो सेंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है जिसको हम FDD बोलते हैं, तो उसके अंदर ये क्या है, हमारे एक FDD की रिपोर्ट है। FDD की रिपोर्ट होने के बाद हमको कुछ पूछ लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, एवरेज डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कैसे निकलता है, और एक्सेप्टेंस जो क्राइटेरिया होता है वो कैसे निकलता है। वो कुछ को पता नहीं होता वो कैसे निकाला जाता है कैलसी के अंदर, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक साइंटिफिक कैलसी होना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये हमारे पास के एक साइंटिफिक कैलसी है, और ये मतलब हर इंजीनियर के पास होना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ही कुछ वैल्यू निकाली जा सकती है। और सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे पास ये कैलसी के अंदर क्या है, जो इसकी जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए, कॉम्पैक्शन निकालने के लिए, तो हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे कैलसी को हम यूज़ करें ताकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला जाए, और डिग्री कॉम्पैक्शन की एवरेज को कैसे निकाला जाए, और इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले तो हम इस कैलसी को रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट कैसे होगा, शिफ्ट और ये मोड को दबा देते हैं। तो ये थ्री है, थ्री का मतलब ऑल रिस्टार्ट का मतलब होता है, तो इसको हम थ्री को दबा देते हैं, और थ्री दबाने के बाद इक्वल टू दबा दो, तो ये हमारे पास रिस्टार्ट आ गया। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको कैलसी को स्टैंडर्ड मोड के अंदर लेके आना होता है। स्टैंडर्ड मोड के अंदर कैसे लेके आते हैं, तो ये हमारे पास मोड होता है उसके दबाना होता है, और ये बीच में जो SD है, SD के अंदर कैसे आएगा, SD को लेके आने के अंदर क्या करना है, सबसे पहले हम उसको दो दबा देते हैं, ये हम दो दबा देते हैं, और ये हमारे पास क्या है, SD मोड के अंदर आ चुका है। तो अब डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन निकालने के लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम, जैसे कि हमारे पास डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कितना है कि 98.93 है, तो ये हम इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू 98.93। फिर हमको क्या दबाना है, प्लस का निशान नहीं, तो M+ दबाना है, M+, ये M+ दबेगा, हमारे पास एक कॉम्पैक्शन आएगा। उसी प्रकार से जैसे कि 92, फिर दूसरा जैसे डिग्री दे रखा है कि 99.38, फिर हमको M1 दबाना है, फिर हमको जैसे कि 98.39 है, फिर हमको M2 फिर दबाना है, फिर 99.73, फिर M1 दबाना है, फिर 99.64, फिर हमको M दबाना है, फिर क्या है 98.66, फिर M1 फिर दबाना हमको, फिर क्या 99.64, फिर M1 फिर दबाना है 98.93, 99.94, 99.973 जी। ये हम क्या डिग्री कॉम्पैक्शन में 10 फीट का कॉम्पैक्शन निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, और ऐसे ही आप जितने भी 30, 40, 50 फीट हो कॉम्पैक्शन निकाल सकते हैं। फिर हमको क्या करना है, 10 फीट लगाने के बाद फिर हमको इक्वल टू दबा देना है। ये इक्वल टू दबाने के बाद जो वैल्यू आई है 99.73, तो उसको हम क्या करना है, इसको भी इसके बाद सिर्फ हमको सीधा ही शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद 21 इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई है 99.133, ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, ये हमारे पास डिग्री कॉम्पैक्शन है। ये जैसे कि हमारा मेरा पास जैसे डिग्री कॉम्पैक्शन ही क्या, मैंने 20 का पिट का निकाल रखा है, तो ये जो आई है मेरे पास वैल्यू जैसे कि 99.13, ये हमको लिखनी है। जैसे कि 10 पिट की हो तो 10 पिट में लिखना है, जैसे कि इसमें यहाँ वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे डिग्री कॉम्पैक्शन यहाँ पे लिख देनी है, जो वैल्यू ये आई है मैं निकाल रहा हूँ 10 पिट का, मैंने जो निकाल ली है जो वो 20 पिट की निकाली हुई है, तो आप जो कैल्शियम देख रहे हैं वो 10 पिट की निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे निकलती है, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद फिर अगेन स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना हो तो उसको क्या करना है, वही वैल्यू को क्या करना है, फिर अगेन शिफ्ट दबाना है और 23 दबा देना है, 23
फिर इक्वल टू ये वैल्यू आई है स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये वैल्यू जैसे कि ये वैल्यू जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन आई है 0.559, तो मेरा जो 10 फीट का है वो 0.518 आया। और उसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद क्या निकालना होता है हमको, जैसे कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, वो फार्मूला मैं बताता हूँ वीडियो के अंदर अभी। तो फ्रेंड आपने देखा कि ये मेरे पास एक फार्मूला होता है एक्सेप्टेंस, जो क्राइटेरिया निकालते हैं उसका ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला क्या होता है कि 1.65 माइनस में 1.65 डिवाइड अंडर रूट टोटल पिट। टोटल पिट जितने कॉम्पैक्शन पिट मारी है वो टोटल पिट यहाँ लेनी होती है। जैसे कि मैंने पुट की हो, जैसे कि 1.65 माइनस में 1.65 डिवाइड अंडर रूट 10 पिट। तो 10 पिट इसके अंदर पुट करने के बाद हम इजक्ल टू दबेंगे, जो इजक्ल टू होने के बाद जो वैल्यू आती है, इजक्ल टू होने के बाद इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है इजक्ल टू करने के बाद इनटू में, उसको हम क्या करते हैं एसडी। एसडी मतलब कहते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन। जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, जैसे कि वो स्टैंडर्ड डिवीजन हमने निकाला तो इससे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपकी जो वैल्यू है उससे। और फिर जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के बाद, इसके अंदर प्लस कर देते हैं कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड। जितना भी कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि जीएसबी का 98 है, सब ग्रेड का 97 है, वो रिकॉर्ड करने के बाद जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वैल्यू। क्या होता है कि इसका जो एवरेज ऑफ डिग्री कॉम्पैक्शन है इससे हमको एक कम मिलेगा। तो ऐसे हम क्या है कि एसडी डिवीजन निकालते हैं। और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको ऐसी मिलती रहे। थैंक यू।